प्रदर्शन चला थे उसमें मुद्दे उठा थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत दूसरे के ऊपर अपनी बात को उतार देते, ये कह देते कि भाई 10 आदमियों का या 11 आदमियों का या 21 आदमियों का एक पैनल बना दो, कार्यकारिणी की मीटिंग ले लो, जो भी कार्यकारिणी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मैं खुद निर्णय ले रहे, आप ही उत्तर प्रसन्न करें और आप ही उसका उत्तर दे रहे, कमी आ रही सब पे चमे तो बिल्कुल टाल कर करने के चल। नहीं नहीं, मैं अपने स्वार्थ में हुई। भानु को उठाया, भानु ने के नहीं लिया वहां तक, के नहीं प्राप्त करा। आज भानु कहाँ है? जब एक संगठन एक संयुक्त मोर्चे की मीटिंग चल रही थी, एक संयुक्त मोर्चे का धरना चल रहा था, भानु को क्या जरूरत थी भागने की? संगठन में मजबूती करता, अगर कोई कमी थी तो सब बताया जाता, भाग क्यों गया? बीएम सिंह को मसीहा बता रहे किसानों का, बीएम सिंह भी भाग गया था उस टाइम, तो क्यों भाग गया था किसान उस टाइम? बदबू आने लगी थी उसे, और आज फिर आज आने के किसानों के बीच में कोई बात करेगा तो फिर कसबू आने लगी? नहीं, सब अपने स्वार्थ में है, जो स्वार्थ उनका सिद्ध नहीं होने का। अगर किसान संगठित है, किसी का निजी स्वार्थ बिल्कुल सिद्ध होने का नहीं। आज आज मैं खींचतान कर ली, कल फिर उसी मंच पर चला गया, फिर बगल हो गया, फिर खींचतान होगी, फिर चला गया, इसका क्या मतलब? यहाँ उठाओ चूल्हा तो नहीं है, जमे का मोल है, जो जमेगा वही वही कीमत पावेगा। भाई सुनो, भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, सुनो सुनो, इसका मतलब यू है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते, ना हमारे पास इसका जवाब है, इसका जवाब है जनता देगी। जनता को कौन सही लग रहा है और कौन गलत लग रहा, कौन किसान हित में है और कौन किसान हित में है, इसका जवाब जनता देगी। नहीं नहीं, मैं स्वार्थी भाव तो सबके सामने है। भाई एक बात बताओ, मीटिंग करी ना खिलाऊ मैं, अपना नारा कर लिया आपके ही सामने, एक धंबेदार द्वारा एक हाथ जोड़ने को गद्दार कहा गया, क्या मानते हैं, कहां तक सही? देखो वो इनके परिवार की बात है, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो जोन सभी संगठन सही काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसकी गैल है, पता लग जा ऐसी बात नहीं। ये जनता जनार्दन है, सब एकदम बता दे उड़ती ही कहाँ बैठा गई जाएगा। वो तो इनके देखो घर की बात है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इनके परिवार की बात है, खाप का मसला है। हम लोग समय समय पर खाप चौधरियों का आशीर्वाद लेते रहे हैं, जब से संगठन का हमने निर्माण किया है खाप चौधरियों के मार्गदर्शन में काम करता है। आज भी सभी खाप चौधरियों का सम्मान किया गया, पगड़ी पहना के, और आगे की रूपरेखा के बारे में बात की गई। हम लोग किसान पर बात करते हैं, गन्ने के भुगतान का यहाँ मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, आवारा पशुओं का मुद्दा था, हमारी बैठक ये खाप का सम्मान की थी और किसानों के मुद्दे पर थी। क्या किसान की दो जगह बटेगा, क्योंकि किसान जैसे संगठन बन गए हैं, ऐसे किसानों कुछ उनके साथ रहेंगे, कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, तो ये देखो ऐसा करोगे किसान सही है या संगठन सही है? ये जनता समझेगी कि किसको क्या करना है। अभी दिल्ली में जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सभी किसान संगठन जो किसान हित में थे सब मिलकर काम कर रहे थे, कुछ संगठन ऐसे थे जो सरकार के साथ कर रहे थे। यहाँ हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कोई किसी क्षेत्र में मजबूत है, कोई किसी क्षेत्र में है, लेकिन जब पूरे देश की बात आएगी तो किसान संयुक्त रूप से लड़ेगा, जैसे पिछली बार लड़ा था। आह्वान आपका हाइज बैठक का, लेकिन भाकियों के लोग यहाँ पहुँचे तो क्या माना जाए, उन्होंने हाईजैक कर लिया या भाकियों के इशारे पर बैठक रखी गई? हम लोगों ने ये बैठक बुलाई थी अपने संगठन की और खाप चौधरियों की, कुछ लोग आगे तो उनका सम्मान है, किसी को बैठक से भगाया नहीं जा सकता, ये उनका अपना विवेक है कि दूसरे की बैठक में जाके हमको क्या बात करनी चाहिए। लगातार किसान यूनियन के गुणगान गाए गए, आह्वान आपका था, तो कहीं ना कहीं हाईजैक की बात तो सामने आई नहीं, आह्वान किया गया। देखो जो लोग आए हैं उनका अपना निजी विचार है, हम लोगों ने अपने संगठन की खाप चौधरियों की बैठक बुलाई थी, अगर कोई लोग मीटिंग में आता है तो हम उसको भगा नहीं सकते, हम उसको जो है सम्मान दिया, हमने सबको बोलने का मौका दिया, क्योंकि हमारा संगठन एक निस्वार्थ संगठन है, किसी पैसे पे काम नहीं करता, किसी चंदे पे काम नहीं करता, और जो भी यहाँ आता है हम सबको मौका देते हैं। ये तो जो है खाप चौधरियों की बैठक है और खाप चौधरियों के हिसाब से यहाँ सब आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो यहाँ एजेंडा जो है कोई वो नहीं है, किसी एक उसका है एजेंडा रखा जाए, किसानों के हक में और खाप बापों से बात होकर सबसे ही सब इकट्ठे होकर आया, ऐसा नहीं है भाई कि किसी एक ग्रुप के आह्वान किसान यूनियन का नहीं नहीं
आह्वान तो हमारा भी था, तो उसमें जो है हम भी हमारे भी समर्थन है यहाँ का चार, तो अब बाबा तो सब गए हैं, तो बाबाओं के हिसाब से सब बात सलाह बात करके जब बाबा निष्कर्ष देंगे आपको पता लग जाएगा भाई जो है खाप चौधरियों की ही एक मीटिंग है। नहीं आप किस स्तर से हैं, क्यों किस स्तर से खाप चौधरी के हैसियत से हैं, नहीं या किस हैसियत से आप जो वर्तमान में एक नया संगठन बना उसके प्रति बाबा आपके बाबा अपने विचार रखते हैं, वो उन्हें सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए। तो आप, मैं जानना चाह रहा हूँ आप किस तौर पर आए हैं, आम आदमी के तौर पर आए हाकियों के? नहीं नहीं हम किसान संगठन का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन का, तो उसके भाई बाबा के सुनो तो हम जाना बाबा हमें पिछले सदा सहयोग करते हैं, तो आज हमें सुनेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंस किसान यूनियन की तरफ से रखी गई है जिसमें खाप चौधरी को बुलाया गया? बाबाओं की तरफ से। तो आप खाप चौधरी के साथ हैं? हाँ खाप चौधरी के साथ। कहीं ये माना जाए आपकी उपस्थिति इस बैठक में कि खाप चौधरी पे आपकी निगाहें बनाए हुए हैं कि किस तरफ जाएंगे? नहीं खाप चौधरी तो सदा ही भारतीय किसान यूनियन के साथ रहे, हमेशा ही भारतीय किसान यूनियन के साथ रहे। पिछले 1.5 साल जो किसान आंदोलन चला सबसे ज्यादा सहयोग बाबाओं ने करा और हम उनका धन्यवाद बार बार करते हैं। और 29 तारीख के रोज भी जो है 29 तारीख में काकड़ा में बड़ी पंचायत है उसका भी ऐलान यहीं से होगा। आप चौधरी को तो ये बताया गया जो अभी संयुक्त उसके जो नया तो संगठन बना है राजनीतिक उनके जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा कि भारतीय किसान यूनियन के साथ तो फर्जी जो है खाप चौधरी है। नहीं बाबा शाम सिंह और बाबा संजय कालखंडे और धर्मेंद्र सिंह ये जो है अभी क्लियर कर देंगे ना, थोड़ी देर में जो भी मुद्दे हैं वे सब क्लियर कर देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि गुटबाजी में जो है वो ना हो, क्योंकि सरकार प्रायोजित एक किसान संगठन यहाँ पर आ चुका है, तो उसे कैसे उस सरकार की जो बीजेपी सरकार है उसकी रणनीति कैसे खाल करी जाएगी उस पर सबके विचार यहाँ आप बाबा करेंगे और उनका सहयोग हम करेंगे। तो जो नया संगठन है वो भाजपा का संगठन? हाँ भाजपा प्रायोजित संगठन है। तो अभी आप मान सकते हो जो बाबा ये राजेंद्र है ये सदा जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहे, किसान आंदोलन का विरोध करते रहे, तो आज कैसे किसान हित में आ गए? टिकैत परिवार ने भी मुलाकात की मुख्यमंत्री से? उन्होंने मुलाकात करी तो उन्होंने मांग सभी सरकारों के मुख्यमंत्री से? नहीं 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 उन्होंने मुलाकात करी तो उन्होंने मांग रखी अपनी, उन्होंने कभी सरकार का समर्थन नहीं करा।